हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्नब और आप देख रहे हैं व्हाट इज टेलनेट, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट इन राउटर। दोस्तों, टेलनेट का फुल फॉर्म है टर्मिनल और टेलीटाइप नेटवर्क, जो मेनली यूज किया जाता है क्लाइंट टू सर्वर रिमोट लॉगिन के लिए। तो क्लाइंट मतलब हम और सर्वर मतलब जिसे हमें कुछ सर्विस लेना है। सर्विस मतलब VPN सर्विस, सर्विस मतलब DHCP सर्विस, सर्विस मतलब DNS सर्विस भी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं टेलनेट का क्या क्या यूजेस है। तो पहला यूजेस है सिंपल गेम खेलने के लिए इसे यूज किया जाता था। गेमिंग म्यूजियम का बनाया गया क्लासिक BBS गेम जिसका नाम था गैलेक्टिक ट्रेडर, ये स्पेस ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। हॉलीवुड मूवी स्टार वॉर के ऊपर बनाया गया स्पेशल गेम स्टार वॉर्स अभी भी फेमस है। या freechess.org का बनाया गया चेस गेम्स 1975 से 1980 के अंदर बनाया गया, ये सब गेम बहुत ही पॉपुलर था और अभी भी गेम लवर्स के अंदर बहुत ही फेमस है। दूसरा क्या यूजेस है इसका, वेदर रिपोर्ट देखने के लिए। NTP सर्वर, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर में लॉगिन करके वेदर रिपोर्ट हम लोग जेनरेट कर सकते हैं। ये छोड़ के टेलनेट का और भी कई यूजेस है। ये यूजेस जो है फाइल एडिट करने के लिए है, राउटर में लॉगिन करके राउटर का सेटिंग एडिट कर सकते, कुछ प्रोग्राम एडिट कर सकते, या ईमेल भी हम लोग चेक कर सकते। क्लाइंट सर्वर रिमोट लॉगिन के लिए शुरू में जो सब प्रोटोकॉल आया था उनमें से एक है टेलनेट। आइए देख लेते इसका क्या क्या फीचर था और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या क्या है, क्यों अभी टेलनेट को ऑब्सोलीट किया जा रहा है और SSH को प्रमोट किया जा रहा है। तो पहला है व्हाट इज टेलनेट, टेलनेट क्या है। तो टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूज करके रिमोटली हम लोग राउटर और सर्वर को एक्सेस कर सकते। सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टेलनेट, उसके बाद IP एड्रेस देने से राउटर या सर्वर में लॉगिन कर सकते। ये कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होगा और टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है। जबकि क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसके अंदर डेटाबेस कभी भी हैक हो सकता है। ये एक TCP/IP प्रोटोकॉल है जो वर्चुअल टर्मिनल सर्विस यूज करता है। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक 8-bit चैनल इनेबल किया है रिमोट कंप्यूटर के लिए। तो ये रिमोट कंप्यूटर बेसिक टेक्स्ट यूज करके कम्युनिकेट कर सकता है। टेलनेट पोर्ट नंबर 23 यूज करता है इनकमिंग कनेक्शन के लिए। क्लाइंट टू सर्वर और राउटर कैसे रिमोट एक्सेस होता है, कैसे डेटाबेस ट्रांसफर होता है, आइए थोड़ा डिटेल्स में चेक कर लेते। टेलनेट यूज करने के लिए क्लाइंट और सर्वर सेम लोकल एरिया नेटवर्क में रहना जरूरी है। क्लाइंट कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और टाइप करना है टेलनेट स्पेस लगा के उसका IP एड्रेस। तो मेरे पास एक राउटर का रैक है, आइए देख लेते लोकल कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट यूज करके कैसे रिमोट कंप्यूटर या रिमोट सर्वर या रिमोट राउटर को एक्सेस किया जाता है। तो लोकल कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टेलनेट स्पेस राउटर का IP एड्रेस टाइप किया जा रहा है। राउटर का IP एड्रेस टाइप करने के बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। पासवर्ड यदि सही रहता है तो राउटर में हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। नेक्स्ट, राउटर में इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट देने से
राउटर में लॉगिन कर पाएंगे, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज और चेक कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं टेलनेट का क्या क्या फीचर है। पहला फीचर है डेटाबेस, यूज़र नेम या पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है। मेरा नेटवर्क के अंदर यदि कोई स्नीफर या हैकर रहता है तो यूज़र नेम और पासवर्ड उसे पता चल जाएगा। नंबर टू, डेटाबेस जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। नेटवर्क के अंदर स्नीफर या हैकर जो है डेटाबेस को भी चोरी कर सकता है। नंबर थ्री, लोकल एरिया कनेक्शन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही ये खाली एक्सेस किया जा सकता है। टेलनेट प्रोटोकॉल विंडोज 7 या विंडोज 10 में कैसे इनेबल करना है देख लेते। पहले चेक कर लेते ये कंप्यूटर के अंदर टेलनेट इनेबल है कि नहीं। तो टेलनेट कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टेलनेट कमांड डालने से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल ये कमांड नहीं है, क्योंकि टेलनेट प्रोटोकॉल इसमें इनेबल नहीं है। इसे इनेबल करने के लिए हमें रन में जाना पड़ेगा appwiz.cpl appwiz.cpl। प्रेस करने से लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा टर्न ऑन विंडोज फीचर, वहाँ से टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर ढूंढना है, चेक करना है और चेक करके ओके। टेलनेट सर्विस इनेबल हो रहा है। टेलनेट सर्विस इनेबल होने से कमांड प्रॉम्प्ट में टेलनेट हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि दिख रहा है टेलनेट सर्विस इनेबल हो चुका, अभी टेलनेट हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, एड रिमूव प्रोग्राम को क्लोज कर देते। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सीएमडी में जाके फिर से टेलनेट और स्पेस मार के आईपी एड्रेस डाल देते। अभी ये कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टेलनेट का एक प्रैक्टिकल देख लेते। तो उसके लिए हमें एक राउटर चाहिए, एक स्विच और दो कंप्यूटर। तो राउटर से स्विच कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रेट केबल फास्ट इथरनेट 0/0 से स्विच का कोई भी पोर्ट कनेक्ट कर सकते और स्विच से पीसी में कनेक्ट करना है। कम्युनिकेशन हो चुका। अभी राउटर में हमें आईपी एड्रेस डालना है। तो राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 में हम आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.1/624। राउटर के ऊपर क्लिक करते हैं, सीएलआई मोड में चले जाते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को बाईपास करने के लिए कंट्रोल और सी दबाने से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बाईपास कर सकते। इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर का एक होस्ट नेम फिक्स कर देते R1। अभी जाना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस डालना है, उसके लिए कमांड है आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और सबनेट मास्क डालना है 255.255.255.0। नो शटडाउन देने से पोर्ट देखिए ऑफ हो चुका। अभी एग्जिट। अभी एक डीएससीपी पूल बना रहे। डीएससीपी पूल बनाने से
दो क्लाइंट पीसी में आईपी एड्रेस मिल जाएगा। क्लाइंट पीसी में स्टैटिक आईपी रहने से भी टेलनेट कनेक्शन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो डीएससीपी पुल बना रहे, डीएससीपी का नेटवर्क, उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, डिफ़ॉल्ट राउटर का एड्रेस है 192.168.1.1। डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी डाल देते 192.168.1.2। अभी एग्जिट कर देते। डीएससीपी का कुछ एड्रेस एक्सक्लूडेड एड्रेस कर देते, जो एड्रेस नेटवर्क में यूज नहीं किया जाएगा। तो 1.2 से 192.168.1.10 तक एक्सक्लूड कर देते। तो क्लाइंट दो जो पीसी है उसमें 1.11 से आईपी मिलेगा। क्लाइंट पीसी का डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाते, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिन्यू, आईपी एड्रेस मिल गया 1.1। जैसे 1.2 से 1.10 तक एक्सक्लूड किए हैं, 1.11 आईपी एड्रेस क्लाइंट को मिल गया। अभी हमें लाइन VTUI, टेलनेट के लिए लाइन VTUI वर्चुअल टेलीफोनी इनेबल करना है। तो 0 to 15 मतलब 16 टर्मिनल एक साथ हम इनेबल कर सकते हैं। तो 0 to 3 मतलब 4 टर्मिनल इनेबल कर रहे हैं। पासवर्ड दिया गया, एग्जीक्यूटेबल टाइम आउट, क्लाइंट यदि आइडल बैठा रहता है तो 1 मिनट 0 सेकंड बाद कनेक्शन टूट जाएगा, फिर से कनेक्शन करना पड़ेगा। लॉगिन कमांड देने से इसका प्रोफाइल क्रिएट हुआ, एग्जिट मार के निकल आते। अभी एक बैनर सेट करते, बैनर MOTD मैसेज ऑफ द डे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम मैसेज ऑफ द डे बैनर सेट कर रहे हैं। और एक बैनर भी सेट किया जा सकता है, लॉगिन बैनर। मेनली दो तरीके का बैनर सेट किया जा सकता है, MOTD बैनर और लॉगिन बैनर। लॉगिन बैनर अभी सेटिंग किया जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कुछ भी लिख के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। क्लाइंट जब लॉगिन करेगा, राउटर का आईपी एड्रेस जब मैच करके लॉगिन करेगा, साथों साथ MOTD बैनर और लॉगिन बैनर उसे दिख जाएगा। लॉगिन बैनर क्रिएट हो चुका, एंटर। अभी क्लाइंट में चले जाते, तो इसे DHCP से आईपी एड्रेस मिल गया। अभी टेलनेट स्पेस राउटर का आईपी एड्रेस 192.168.1.1। तो देखिए ओपन के बाद MOTD बैनर और नीचे लॉगिन बैनर भी दिख रहा है। हमें अभी पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डाल के राउटर में लॉगिन करना है। राउटर में लॉगिन हो चुका, मगर इनेबल पासवर्ड हम सेट नहीं किए, राउटर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज या चेक नहीं कर पाएंगे। तो इनेबल पासवर्ड सेट किया जा रहा है, इनेबल पासवर्ड CCNA। फिर से कंप्यूटर में चले जाते, अभी इनेबल पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड डालने से राउटर के अंदर लॉगिन हो चुका। अभी इसके अंदर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने से इनेबल पासवर्ड जो हम सेट किए थे वो दिख रहा है। खाली इनेबल पासवर्ड नहीं है, यदि लाइन VTUI यानी कि टेलनेट का पासवर्ड भी चेक करते तो टेलनेट का पासवर्ड भी दिख जाएगा। तो हम चाहते हैं इनेबल पासवर्ड और टेलनेट का पासवर्ड ना दिखे, तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड राउटर में यूज कर सकते जिसका नाम है सर्विस स्पेस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन
यूज करने से टेलनेट का पासवर्ड और इनेबल पासवर्ड ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इनेबल पासवर्ड और नहीं दिख रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिख रहा है और टेलनेट का पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिखेगा। नेक्स्ट, अभी और एक चेक करना है, इसका टाइम आउट, एग्जीक्यूटेबल टाइम आउट। राउटर में लॉग इन करने के बाद यदि एक मिनट आइडल बैठे रहते तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। देखिए एक मिनट कंप्लीट हो चुका, कनेक्शन टूट गया, हमें फिर से कनेक्शन करना है। तो फिर से कनेक्शन कर रहा है टेलनेट 192.168.1.1, पासवर्ड देना है, इनेबल पासवर्ड देने के बाद ये राउटर में लॉगिन हो चुका। जबकि हम 0 to 3 मतलब 4 टर्मिनल खोले थे, तो सेकेंड कंप्यूटर से भी यदि हम लोग एक्सेस करते हैं राउटर को तो टेलनेट थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। ipconfig/renew दबाने से आईपी एड्रेस मिल गया। अभी टेलनेट का आईपी एड्रेस, पासवर्ड और इनेबल पासवर्ड देने से देखिए ये लॉगिन हो चुका। पहला कंप्यूटर भी लॉगिन है, दूसरा कंप्यूटर भी लॉगिन है, दोनों एक साथ ही राउटर में लॉगिन है, कुछ भी काम ये कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।